The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। हमने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए हैं, एक वीडियो इनडाइजेशन पे था, एक हार्ट बर्न, GERD, गैस, अब गैस्ट्राइटिस, ये सब अलग हैं, राइट? गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि स्टमक जो है आपका, पेट जो है, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है उस लाइनिंग का इन्फ्लामेशन या वहाँ स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे कोई इरिटेशन इन्फ्लामेशन हो रहा है, दैट इज गैस्ट्राइटिस, राइट? पेट फूला फूला सा लगता है, ऊपरी पार्ट, वो इनडाइजेशन होता है और पेट के थ्रू एसिड ऊपर आता है, जलता है, उसको हार्ट बर्न कहते हैं। और ये सारी अलग चीज़ें हैं, पेट में ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, वो अलग होता है। सो दैट्स व्हाई ये जानना ज़रूरी है कौन सा क्यों होता है, कैसे होता है, राइट? गैस्ट्राइटिस कुछ समय के लिए हो सकता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और लंबे समय के लिए हो सकता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इसके कारण क्या है, सबसे ज़रूरी बात, क्यों होगा? एक्यूट होगा तो क्यों होगा, क्रोनिक होगा तो क्यों होगा? एक्यूट गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्राइटिस ज़्यादातर तीन मेन कारण है उसके। नंबर वन है मेडिसिन, दवाएं, जी हाँ, दवाएं, जो भी पेन किलर्स हैं, चाहे एस्पिरिन, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन या ऐसी सिमिलर मेडिसिन जो आप रेगुलरली लेते हैं, उन दवाओं से, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे किसी भी प्रकार के एलोपैथिक हो, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। नंबर दो सबसे कॉमन रीज़न है एकदम से हैवी अल्कोहल ले लेना, बहुत ज़्यादा दारू पी लेना एक साथ, उससे गैस्ट्राइटिस होती है। ये दो सबसे कॉमन रीज़न है। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का सबसे कॉमन रीज़न है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरिया है जिसका इन्फेक्शन से आपको बार बार गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ये आपके स्टमक की लाइनिंग में इन्फेक्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ लेस कॉमन, कम कॉमन रीजंस है, जैसे कि आपकी मान लीजिए आप कोई ड्रग एब्यूज़ कर रहे हैं, कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोकेन, मैरिजुआना, स्मैक वैक कुछ भी ले रहे हो, उसके वजह से हो सकता है। आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में हो, उसके वजह से हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कोई पॉइजनस चीज़ खा ली, कोई एसिड, कोई अल्कली, कॉस्टिक चीज़, कोरोसिव चीज़ खा ली आपने, तो उससे तो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस स्टमक में हो ही जाएगा, दिक्कतें, राइट? इवन वायरल इन्फेक्शंस में, इम्यूनिटी कम होने से वायरल इन्फेक्शन, साइटोमेगलो वायरस, हर्पीज वायरस, इन वायरस से भी होता है गैस्ट्राइटिस। ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे परनीशियस एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, उनसे हो सकता है गैस्ट्राइटिस। बाइल जो आपके स्टमक में नीचे इंटेस्टाइन में गिरता है, अगर वो कभी इंटेस्टाइन्स की जगह ऊपर स्टमक में आ जाए तो वो भी गैस्ट्राइटिस कर सकता है। बाइल इज एन एसिड, राइट? सो इन सब चीज़ों से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कई बार किसी प्रकार की चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन हो, कोई किडनी फेलियर हो, कोई भी मान लो आपको सांस लेने वाली मशीन पे आपको रखा जाए, राइट, तो उन सब चीज़ों से, या कोई सिवियर सडन बीमारी हो जाए, उन सब से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इतना कॉमन है गैस्ट्राइटिस, इतना कॉमनली आपके स्टमक की लाइनिंग में सूजन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। लेकिन होगा क्या, क्या सूजन से सिम्टम क्या होगा, आपको दिक्कत क्या होगी? जब भी सिम्टम होगा ऐसा गैस्ट्राइटिस होगा, कई लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता, कईयों को सिर्फ भूख लगना कम हो जाता है, कईयों को नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको उपकाई, उल्टी आ सकती है, और कईयों को दर्द हो सकता है पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट? लेकिन उसमें ब्लोटिंग अलग चीज़ है, ब्लोटिंग अगर हो रही है तो वो इनडाइजेशन है, ठीक है? और अगर ये बात याद रखें, स्टमक की लाइनिंग इन्फ्लेम हुई है, वहाँ सूजन है, तो वहाँ पे कई बार वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जलन है, वहाँ पे ब्लीडिंग अगर हो रही है तो नीचे अगर ब्लीडिंग जा रही है, ब्लड नीचे जा रहा है, तो लैट्रिन के साथ मिलके लैट्रिन काली करेगा, ऊपर आ रहा है तो आपके उल्टी में लाल या काला या ब्राउन, कॉफ़ी ग्राउन कलर आ सकता है। सो अगर उस तरह की कोई चीज़ है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और इसीलिए फिर ब्लड टेस्ट होते हैं कि खून की कमी तो नहीं होगी, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया, प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं, कोई भी चीज़ें कम तो नहीं है जिससे ब्लीडिंग बढ़े, कोएगुलेशन प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, ये सब चेक करने होते हैं। और इसके साथ पेट का टेस्ट होता है, पेट के एग्जामिनेशन से लेके एंडोस्कोपी तक करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी से ही दिखता है, दूरबीन डाल के दिखता है फूड पाइप में कि कहाँ पर गैस्ट्राइटिस है, कितना सेवियर है, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से फिर और इलाज किया जाता है। और अंदर से आप टुकड़ा लेके भी जांच कर सकते हो, अगर कोई बायोप्सी की जरूरत पड़ती है तो उसकी, कि कोई कैंसरस चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसे बड़ी कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है।
एच पाइलोरी का अगर आपको टेस्ट कराना है तो एच पाइलोरी का ब्रेथ टेस्ट भी आता है, स्टूल टेस्ट भी आता है, आईजीजी आईजीएम टेस्ट भी आता है, और स्टूल टेस्ट भी किया जाता है ब्लड के लिए, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, की कहीं खून तो नहीं आ रहा थोड़ा 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 थोड़ा, और लंबे समय में कुछ हफ्तों में आपको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, ऐसा भी होता है। सो इसीलिए नज़र रखनी है आपको अपने इस सिम्टम पे, गैस्ट्राइटिस को जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लेना चाहिए, और इसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कारण खत्म होता है तो गैस्ट्राइटिस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जैसे अगर आप कोई पेन किलर लेते हो, एस्पिरिन, या कोई मेडिसिन ले रहे हो जिससे गैस्ट्राइटिस हो रहा है, वो मेडिसिन लेना बंद करोगे या उसकी ज़रूरत खत्म होगी तो गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। दारू पीना बंद करोगे गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। B12 डेफिशिएंसी ठीक करोगे गैस्ट्राइटिस ठीक, तो कारण ढूंढोगे, कारण ठीक करोगे, गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मीनवाइल और तब तक और गैस्ट्राइटिस को हैंडल करने के लिए आप ओवर द काउंटर मेडिसिंस ले सकते हो, एंटासिड ले सकते हो, जो कि स्टमक का एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगी, तो वो उन गैस्ट्राइटिस वाली जगह पे लगेगा भी तो जलेगा नहीं, और स्टमक में एसिड ही कम बने उसके लिए आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर H2 ब्लॉकर्स, पेंटोप्राजोल, सिमिटिडीन, रेनिडीडीन, राइट, ओमेप्राजोल, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इनको खाना खाने से पहले लेना पड़ता है। रिमेंबर, गैस्ट्राइटिस आसानी से ठीक हो जाता है अगर कारण हटा दिया जाए, लेकिन अगर आपको खून बह रहा है, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लैट्रिन काली आ रही है, उल्टी में कुछ खून या कालापन आ रहा है, तो वो सीरियस चीज़ हो सकती है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाई, उस प्रकार के डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। ये इनडाइजेशन, हार्ट बर्न, GERD, इन सबसे अलग चीज़ है, इसलिए फ़र्क समझना ज़रूरी है। सारे वीडियोज़ देखिए फ़र्क समझने के लिए। डाइजेस्टिव हेल्थ की पूरी सीरीज़ का लिंक नीचे दिया हुआ है, मेक श्योर कि ये वीडियो शेयर करना है, लोगों को ज़रूर बताना है, हेल्थ लिटरेसी बढ़ानी है। ऐसे ही और वीडियोज़ देखते रहने के लिए जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन।